मुंबई के दहिसर में भारतीय सेवा संघ के संस्थापक अमरनाथ झा के नेतृत्व में एक शाम वीर शहीदों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर वीर शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, शिवसेना नेता विनोद गोसालकर, साथ ही बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पण कर किया गया। इस दौरान वीर शहीदों की गाथा को लोगों के समक्ष रखा गया और उन्होंने अमरनाथ झा का कहना था कि हमें उन वीर शहीदों को सलाम करना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम हमें हमेशा ही हमारे बीच होना चाहिए हमारे वीर शहीद जवानों के लिए। वहीं इस दौरान आए हुए सभी लोगों ने अपनी बात लोगों के समक्ष रखी और वीर जवानों को याद किया। अमरनाथ झा ने आए हुए अतिथियों को फूल गुच्छ और शॉल देकर सम्मानित भी किया। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था कार्यक्रम के आयोजक और आए हुए अतिथियों का, देखिए मुंबई की यह खास रिपोर्ट। उन्होंने इस शहीद दिन का कार्यक्रम आयोजित किया, मैंने उनको बिल्कुल बधाई भी दी है। पर शहीद दिनों का कार्यक्रम मुंबई कांग्रेस में हर साल सारे आज का भी था, बट बड़े पैमाने में लोगों को अभी ये, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हम सारे घूम रहे हैं, आप हम सारे, और हमें सिर्फ और सिर्फ वो सोशल मीडिया और वो हमारा सेलफोन, इसके बाहर हमारी दुनिया नहीं है। लेकिन ये दुनिया मुआया करके देने वाले राजीव जी हैं, ये दुनिया मुआया कर देने वाली इंदिरा जी हैं, ये दुनिया हमारी आज़ादी के संग्राम में अपनी शहादत देने वाले ये सारे हैं। लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। मतलब आज अगर बच्चों को पूछोगे आप कि ये इनका नाम से, तो ये यकीनन मैं कहता हूँ कि ये कौन है, तो बड़ी बड़ा दुख होता है। और इसलिए कांग्रेस ने हमेशा इन कार्यक्रमों में ये किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अमरनाथ जहाँ हमारा उनकी एक संस्था है, उनके माध्यम से और विनोद गोसालकर जी के सपोर्ट से उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम किया, आप देख रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि लोगों के सामने हकीकत जो है, सच्चाई लोग जाने। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक परसेप्शन तैयार किया जाता है और वो परसेप्शन ही सच है, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। तो ये जो हो रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो देश में हो रहा है, जो हमारे प्रदेश में ये पिछले साल भर में से हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्योंकि महाराष्ट्र हमारा ऐसा कभी भी नहीं था, ये छत्रपति शिवाजी की धरती है, यहाँ हमेशा सबका सम्मान किया जाता था, सबको साथ में लेके किया ये करते थे। छत्रपति जी ने भी जितनी भी लड़ाई लड़ी सबको साथ में लेके लड़ी, पर कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के सामने हकीकत लाना मेरा काम है, हमारा काम है, जो मैं कर रहा हूँ और बिना डर के कर रहा हूँ। एक ऊपर वाला भगवान छोड़ के हमने किसी को डरना सीखा नहीं, राहुल जी को देखिए। हम तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं उन वीरों के शहीदों के नाम पे सलाम करते हैं जिन्होंने कि ये नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, अपना पिताजी को नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा, जो कि इस तरह से उनके अंदर में जुनून क्रांतिकारी का पूरे विश्व के अंदर में ऐसा युवा आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ना तो आप कभी इनके ऐसे इतिहास सुने होंगे। ऐसा वीर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज सरकार को चैलेंज कर दिया, आगाह किया कि देख एक 20 साल का लड़का तुम्हें चैलेंज करता है और अकेला हम तुम्हारे पूरे अंग्रेज सरकार पर भारी पड़ रहा हूं। उद्देश्य मेरा यह था कि लोगों को जो इतिहास भूलने लगा है ना, तो इतिहास जो भूलने लगा है तो वो नौजवानों के इतिहास तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो सरकार है वो इतिहास नहीं बता रहा है, वो अपना घर भर रहा है। तो हमारा जो इतिहास जिनको बच्चे लोगों को समझाना है आपके मीडिया वाले के थ्रू कि इतिहास क्या है, जिन्होंने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, उन्होंने चैलेंज किया मुझे योद्धा की तरह मारो गोली, लेकिन अंग्रेज सरकारों में इतने दम नहीं थे कि वो गोली मार सके उनको। उनकी मां ने कहा था, आपने सुना होगा कि अगर हमारा तो एक लाल है, बेटा नहीं कहा था उन्हें, एक लाल है हमारे पास में, अगर हमारे पास में हजारों लाल होता तो मैं सबके लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये ऐसा मां थी वो,
आज हम जिस वीर भगत सिंह उन शहीदों को सलाम करते हैं, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, उन्होंने सिर्फ भारत वर्ष के लिए, भारत के जनता के लिए, जो हमारा देश सुंदर सुशील और अच्छा से रहे, और हंसते हंसते उन्होंने फांसी पर चढ़ गया। उन्हें यह पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन कर रहा हूं कि मेरा भविष्य क्या होगा, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं भी देखूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरे को देखने के लिए भारत को सुंदर बना करके हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। भारतीय सेवा संघ किस विचारधारा को लेकर? भारतीय सेवा संघ जो ऐसा है ना मैडम, कि आम जनता का है, हमारा नहीं है, आपका है, इनका है, सबका है। भारतीय नामे पढ़ा है उनको कि हम भारत को जोड़ के चलते हैं, हर दुख के साथी है भारतीय सेवा संघ। आज जिस तरह से आपने इस मंच पर एक नहीं बल्कि सभी पार्टियों को एकत्रित किया, तो क्या लगता है किस पार्टी को आप देखते हैं जो शहीदों के लिए और अपने देश के जो सैनिक है बॉर्डर पे उनके लिए कार्य करें? देखिए, सबसे पहले है कि हम इंसान को जोड़ना सीखे हैं, पार्टी को नहीं। एक इंसान अच्छा होता है, पार्टी तो चलती रहेगी, गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी चलेगी, पर इंसान को जोड़िए। और इंसान बहुत बड़ी मायने में रखता है। जब आप कहीं चले तो कोई अमर जा है जिन्होंने जोड़ के चलता है गठबंधन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है लड़का लड़की, तो कैसे गठबंधन जोड़ते हैं, उसमें कौन सा पक्ष कौन सा जात के लोग आते हैं वो मायने नहीं रखते, वो शादी में आता है वो मायने रखता है।